दोस्तों पत्नियों की तरफ से एक सवाल आता रहता है कि साहब मेरा पति एक्सपायर्टी डाइवोर्स ले लिया, एक साल डेढ़ मुझे तो पता ही नहीं चला। जी हाँ, तो ये एक्सपायर्टी कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ, इसके बारे में हमें थोड़ी डिटेल में बताएं और आगे हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ, तो साथ का साथ मैं बता देता हूँ कि एक्सपायर्टी डाइवोर्स कैसे होता है, इसका वीडियो मैंने बनाया था, आई बटन है डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसे देख सकते हो। अब देखिए एक्सपायर्टी का प्रोसेसिंग क्या होता है कि भाई आपको एक नोटिस आया होगा नोटिस डाइवोर्स का, उसके बाद आपका वकील साहब ने बोला होगा कि आप बताइए मैं देख लूँगा और कहीं कहीं गड़बड़ हो गई, और उसके बाद एक्सपायर्टी वन साइडेड हो गया, उसका सुनवाई हो गया, आप कोर्ट नहीं गए, इस चक्कर से एक्सपायर्टी हो गई। अब ऑर्डर होने के बाद देखिए उसके बाद में क्या होता है कि आपके पास अपील का ऑप्शन होता है सेम कोर्ट में 30 दिन के लिए, ऑर्डर नो रूल 13 के तहत होता है, तो उसमें आप सेम कोर्ट में अपील कर सकते हो 1 महीने तक, उसके बाद आपको फिर हाई कोर्ट में अपील करना पड़ेगा 30 दिन 90 दिन के अंदर अंदर। अगर आप वहां पे भी नहीं जाती हो तो फिर पति दूसरी शादी कर लेता है और उसका एक्सपायर्टी की जजमेंट पारित हो जाता है, उसको ऑर्डर मिल जाता है इस कंडीशन में। तो अब दिक्कत कहां से आती है, देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है आपके साथ एक्सपायर्टी जब भी होता है तो सबसे पहले तो आज की डेट में सब चीजें अपडेट रहती है। जी हाँ, जब भी आपके बीच में डिस्प्यूट का मामला चले या कैसा भी चलते हैं तो सबसे पहले आप ई कोर्ट सर्विस डाउनलोड कर लीजिए, ई कोर्ट पर ऑनलाइन चेक करना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, देखिए ऑनलाइन आपका वकील साहब क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, लेकिन आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपका डाइवोर्स का केस हो गया, आपका पति डाइवोर्स का केस कर दिया, तो फिर आप डेट मिस मत करिए। अगर आप डेट मिस करते हो तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं एक डेट मिस कर दिया, दो डेट मिस कर दिया, लेकिन तीसरी डेट आप ज्यादा मिस मत करिए, अन्यथा आपका एक्सपायर्टी हो जाएगा। जी हाँ, तो हमेशा आप कोर्ट की तारीख पर जाइए, चाहे आपके वकील साहब कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, अगर एक्सपायर्टी हो गया तो उसको आप सेम कोर्ट में भी, अगर स्टार्टिंग आपको 1 महीने में पता पड़ जाता तो सेम कोर्ट में अपील करिए, नहीं पड़ रहा 2-3 महीने पड़ रहा 2 या 3 महीने के अंदर, तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में अपील करिए और उसको खारिज कराइए, फिर शुरुआत से सुनवाई होगी। जी हाँ, अगर बाय चांस आप अपील कर देते हो तब क्या होता है, अपील कर देते हो तो फिर शुरू से सुनवाई होती है, स्टार्टिंग से होती है, और फिर वन साइडेड डाइवोर्स लेना इतना आसान नहीं होता है। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा जो आपका सवाल था, इसका मैंने पूरी प्रॉपरली इस वीडियो में जवाब दे दिया हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।